तीन वर्ष की जो कहानी है तो राज्य के खनन क्षेत्रों में अवैध काला व्यापार और राज्य की राजनीति में काली राजनीति, यही तीन वर्ष की कहानी। तीन वर्ष जिस तरह चुनाव में भी उन्होंने झूठ के लहर पर सियासत पर बैठे और तीन वर्ष भी वादों की बौछार, झूठे वादे जिस तरह चुनाव में ठगा, तीन वर्ष में भी झारखंड की जनता को ठगा, चाहे वो पारा टीचर हो, चाहे झारखंड की हमारी गरीब जनता हो, या फिर किसान हो, महिला हो, नौजवान हो। एक साल में 5 लाख नौकरी में तो बेरोजगारी भत्ता उसको ठगा, पारा टीचर को ठगा। अभी विगत एक महीने से 38,000 बहने सैया राजपाल के धरना दे, कोई सुनने वाले। इस राज्य में का जो मुख्यमंत्री है सबसे कमजोर मुख्यमंत्री, अच्छा मुख्यमंत्री, और इस राज्य को बिचौलिया, सिंडिकेट एंड कट मनी वालों ने चला, और जिसके कारण आज जो राज्य, जो भी राज्य की नीतियां बन रही है वो सरकार नहीं बना रही है, बिचौलिया, कट मनी और सिंडिकेट बना रहे, चाहे वो शराब नीति हो, चाहे वो सड़क की नीति हो। अब देखिए जो शराब नीति बनी है उसमें 500 करोड़ का राजस्व बना है, और अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले उत्पाद नीति को महामहिम राज्यपाल ने बताया, ऐसी नीति बनाई उसमें जो शराब की एजेंसी लेने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं, वहाँ कर्मचारी काम कर रहे उस पर कार्रवाई हो, पदाधिकारी पर भी कोई कार्रवाई। तो साफ सीध होता है कि ये जो ठग की सरकार है, एक ठग की सरकार से जनता उब गई है, और झूठ के खिलाफ अब आवाज बुलंद हो गई है। झारखंड की जनता हेमंत सरकार के अंतिम काबूत की टिल्ट हो गई है, क्योंकि कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने राज्य की जनता से वादा खिलाफ, जिसके कारण न सिर्फ जमशेदपुर, चाहे वो शहर हो चाहे गांव, सवा 3 करोड़ जनता आक्रोश में है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।